हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग पशु प्रेमी होते हैं जो अपने शौक और सेफ्टी के लिए पशुओं को पालते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जानवर कुत्ता है। ये मनुष्य का सबसे अच्छा वफादार दोस्त भी साबित हो चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉग पालने से, यानी कि कुत्ता पालने से होने वाले लाभ कौन से हैं, कौन से रंग का डॉग घर में पालना चाहिए, घर में डॉग पालना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि के साथ राहु और केतु ग्रहों को सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है, क्योंकि इन ग्रहों के प्रभाव से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जमीन पर आ जाता है। यदि ये ग्रह अशुभ प्रभाव दें तो व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु केतु दोष हैं तो इसका तुरंत उपाय कर लेना चाहिए। इन ग्रहों की अशुभता के कारण ही जीवन भर की कमाई, रिश्ते, इज्जत पल भर में खत्म हो जाती है। इन ग्रहों को शांत रखने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में डॉग पालने से कौन से फायदे होते हैं, घर में डॉग पालना चाहिए या नहीं, और घर में कौन से रंग के डॉग को पालना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग डॉग पालना यानी कि कुत्ते को पालना बहुत अधिक पसंद करते हैं, और वैसे भी आजकल डॉग पालने का एक शौक बन चुका है। यदि आप भी डॉग पालने के यानी कि कुत्ता पालने के बारे में सोच रहे हैं तो आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन डॉग को पालने के फायदे के बारे में आपको अवश्य मालूम होना चाहिए। यदि आप घर के लिए कुत्ता पालना चाहते हैं, डॉग पालना चाहते हैं, तो लैब्राडोर और रिट्रीवर कुत्ते सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप इनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते तो आप फिर इनको पालने की जिम्मेदारी ना लें, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि डॉग पालने के फ़ायदे कौन से हैं। दोस्तों, कुत्ते को हिंदू धर्म में यम का दूत कहा गया है। कुत्ते को हिंदू धर्म में भैरव महाराज का सेवक भी माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह से आकस्मिक संकटों से भी हमारी रक्षा करते हैं। कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव बाबा हमारे आसपास यमदूतों को फटकने भी नहीं देते हैं। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और ईश्वर माध्यम की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। डॉग कई किलोमीटर दूरी तक की गंध को सूंघ सकते हैं। डॉग को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। कुत्ते को देख करके हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों, लुटेरों और भूत आदि से बच सकें। बंजारा जाति और आदिवासी के लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर समय के खतरे से पहले ही अलर्ट हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी
कुत्ता इसलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में डॉग इसलिए पालते हैं, कुत्ता इसलिए पालते हैं कि उनके घर की चोरों से रक्षा कर सकें। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि काला कुत्ता यानी कि काले रंग का कुत्ता जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। इसका कारण ये है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह यानी कि शनि और केतु का प्रभाव होता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत ही खास उपाय कर सकते हैं, यानी कि घर में काले कुत्ते की सेवा करें, घर में काले रंग के डॉग को पालें। केतु को ठीक करने के लिए भी डॉग पालने की सलाह दी जाती है। जो लोग डॉग को खाना खिलाते हैं उनसे शनि देव प्रसन्न होते हैं। डॉग को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ साथ राहु केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है। राहु केतु के योग काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्तियों को ये जो उपाय मैंने बताए हैं बहुत ही लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा संतान सुख के लिए आप यानी कि अगर आपके विवाह को काफ़ी टाइम हो गया है और संतान सुख में बाधा आ रही है तो संतान सुख में बाधा आने पर काले रंग के कुत्ते और काला और सफ़ेद रंग का कुत्ता पालना चाहिए। यानी कि काले रंग का भी कुत्ता पाल सकते हैं और दो रंग का जो होता है वाइट एंड ब्लैक रंग के डॉग को भी पालना चाहिए, क्योंकि इनको पालने से इनकी सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ कारगर होता है। काला डॉग या काला सफ़ेद डॉग होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस डॉग के नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला जो डॉग होता है वो केतु का रूप माना जाता है। ऐसा डॉग हमारी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में डॉग को शकुन रत्न भी माना जाता है, क्योंकि जो डॉग है वो इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ का इन चीज़ों को भी ज्ञात करवाता है। काले डॉग को पालने से हमारा रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, अचानक आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और काले रंग के डॉग को पालने से पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, इन सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी काले रंग का डॉग पाला जाता है और बिजनेस में कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए भी काले रंग का डॉग मददगार साबित होता है। ये तो थी फायदे की बात। अब बात करते हैं कि डॉग को पालने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। दोस्तों, डॉग के भौंकने और कई ऐसे अपशकुन होते हैं, ऐसे संकेत होते हैं। सूत्र ग्रंथों में श्वान को अपवित्र भी माना गया है। इसके स्पर्श और दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है और अपशकुन शास्त्र में मतलब अपशकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का जो घर है यानी कि डॉग का घर के चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसे इंद्र से संबंधित भय माना जाता है। शुभ कार्य के समय यदि डॉग रास्ता रोकता है तो विषमता और अनिश्चय प्रकट होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जहाँ डॉग होता है वहाँ देवात्माएं नहीं आती हैं, पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाते हैं। डॉग का घर में होना यानी कि यमदूत का घर में होना बताया गया है। कहते हैं कि डॉग जिस घर में भी होता है तो वहाँ मतलब वहाँ अनेक ऐसी शक्तियाँ होती हैं जहाँ देवात्माएं नहीं आती हैं। फिर उस घर की तरक्की और अच्छी शुभता के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसके अलावा डॉग यदि घर में है तो जिसने भी
डॉग पाला है, उसे उसकी देखभाल बच्चों की तरह अवश्य करनी होती है। समय पर भोजन कराना, समय पर पॉटी करवाना, ये सभी कार्य के अलावा उसे उसका विशेष ध्यान रखने की मतलब उसका ख्याल रखने में काफ़ी समय लग जाता है। साथ ही घर में डॉग के बार बार जहाँ तहाँ बाल बिखरे होते हैं, इसके अलावा जहाँ डॉग रहता है वहाँ बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ जाती है। मांसाहारी प्राणी होने के कारण डॉग में संक्रमण बहुत जल्दी से फैलता है, इसलिए जहाँ डॉग होता है वहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने की ज़रूरत होती है, वरना घर के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि एक शोध में ये भी बताया गया है कि डॉग पालने वाले लोग ज़्यादा जीते हैं और कई से ग्रह दोष दूर होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों, कुत्ते को किसी भी रंग में पाल सकते हैं। अगर आपको डॉग पालने का शौक़ है तो आप किसी भी रंग का पाल सकते हैं, वे बहुत ही वफादार होता है। और जो डॉगी है यानी कि डॉग है, वो आपकी हर बात समझता है। और हमेशा जिस घर में बच्चियां महिलाएं ज़्यादा हों उस घर में फीमेल डॉगी को पालना बहुत अच्छा होता है। उसके खान पान का ध्यान रखना होता है और या फिर जोड़े से पालना अच्छा रहता है। और मेल डॉग बदतमीज होते हैं, इसलिए फीमेल को पालना चाहिए या जोड़े से किसी मतलब जोड़े में पालना चाहिए, जोड़े से क्योंकि में काफ़ी फायदे होते हैं। सफ़ेद या काले रंग का डॉग पालना ठीक रहता है। डॉग पालने के टाइम आपको उसको टाइम पर टीके जरूर यानी कि इंजेक्शन जरूर लगवा दें, उसके खान पान का विशेष ध्यान रखें, मल मूत्र कराने के लिए बाहर ले जाएं और डॉग को सैर कराने बाग बगीचे में ले जाएं, लेकिन ड्यूटी टाइम में ऐसा ना करें। और अगर आप घर में डॉग को नहीं पाल सकते हैं, डॉग की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मतलब डॉग को आप यानी कि जो गली वाले स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको आप रोटी खिलाएं, उनके पानी की उनके खाने की व्यवस्था करें और धन से सामर्थ्य हैं तो गौ माता को घर में ले आएं, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से सुख समृद्धि और शांति आती है। पहले लोग गायें पालते थे तो गायें जैसे बनते थे, अब लोग डॉग पालना पसंद करते हैं तो उनकी ये अपनी च्वाइस होती है, क्योंकि कुत्ते को वफादार जानवर बताया गया है। कहते हैं कि पालतू कुत्ता सदा अपने ओनर की फिक्र करता है। एक तरफ जहां ये डॉग अपने ओनर के अकेलेपन को दूर करता है, वहीं दूसरी तरफ घर की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि कौन से रंग का डॉग घर में पालना चाहिए। दोस्तों, काले रंग का डॉग व्यक्ति की कुंडली में आए तमाम ग्रह दोषों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। घर में काला डॉग पालने से व्यक्ति में निडरता आती है। वे व्यक्ति काफ़ी आसानी से अपने जीवन में कठिन फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। साथ ही काले रंग का डॉग पालने से घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है और धन की कभी कमी नहीं रहती है। परिवार के सदस्य सुख सुविधाओं से जीवन जीते हैं। इसके अलावा घर के लोगों का स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर होता है। अब बात करते हैं सफ़ेद रंग के डॉग की। सफ़ेद रंग के डॉग को काफ़ी शुभ बताया गया है। कहते हैं कि कुंडली में राहु और केतु का दोष होने से सफ़ेद रंग का डॉग बचाता है। इस सिचुएशन में काले और सफ़ेद रंग के डॉग को रोटी खिलाने से भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा भूरे रंग के यानी कि ब्राउन रंग के डॉग को पालने से भी कई लाभ मिलते हैं। और यदि व्यक्ति को उसके कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, दूसरे लोगों से बात बात पर उसका विवाद होता है, तो भूरे रंग के यानी कि ब्राउन रंग के डॉग आपको इससे बचा सकते हैं। इसके अलावा डॉग पर किसी भी तरह से हिंसा करने को मना किया गया है, यानी कि चाहे वो पालतू डॉग हो या फिर स्ट्रीट डॉग हो,
किसी भी डॉग पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, बेवजह उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।